बढ़ते हैं शो में आगे और एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह है हमारे साथ। कुणाल जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। बताइए क्या व्यू है मार्केट्स पर फिलहाल, अगर आप देखें तो 19 अंकों की गिरावट है अब निफ्टी पर। गुड आफ्टरनून आशीष, आई थिंक लास्ट एक दो दिन से जो हमने सेलिंग प्रेशर देखा है हायर लेवल से, ब्रेक डाउन ऑलरेडी निफ्टी में आ चुका है। आज के सेशन में भी आप देखोगे हम ओपनिंग में गैपअप हुए पर वही से सेलिंग प्रेशर वापस क्लियर कट विजिबल है। सो जब तक निफ्टी 18,200 क्रॉस नहीं करता है सेंटिमेंट बेरिश ही रहेगा। डाउन साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,040 के लेवल डाउन साइड पे। सो 18,200 एक बार क्रॉस कर लेता है फिर हमारा व्यू बुलिश टर्न हो जाएगा कि निफ्टी ऊपर में 18,300 के लेवल टेस्ट कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है वहां पे भी व्यू साइडवेज ही है। बैंक निफ्टी 43,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आज के सेशन में वो ब्रेक हो जाता है या उसके नीचे हम क्लोज देते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, जो बैंक निफ्टी को 43,000 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। रेजिस्टेंस क्लियर कट विजिबल है 44,000 पे। ऑप्शन का भी आप डेटा देखोगे तो 44,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग अग्रेसिवली हो रही है। सो व्यू दोनों इंडेक्स पे सेल ऑन राइज का ही है फिलहाल करंटली, क्योंकि ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर क्लियर कट विजिबल है। इसी में से मेरा एक इंट्राडे के लिए ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी पे, जहाँ पे आप 43,500 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो जो करंटली 225 के आसपास चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे 180 का, अपसाइड पे आपके टारगेट रहेंगे 260 फर्स्ट और सेकंड टारगेट 285 का। 285 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। रणनीति आपके लिए एनालिसिस पर साफ शेयर कर दी गई है। स्टॉक्स का एक्शन समझना हो तो आप बताइए खरीदारी करनी चाहिए बिकवाली? मिक्स है, जहाँ पे थोड़े सेक्टर्स में हमें बाइंग मोमेंटम दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस भी क्लियर कट विजिबल है। आज के सेशन आप देखोगे तो ऑटोज में अच्छी खासी रिकवरी हमें दिखाई, तो ऑटो एज अ सेक्टर में अभी भी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है और उसी में से बाइक पिक रहेगा वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आप देखोगे कि ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक ने लोअर एंड से 505 के लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें बताया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में एटलीस्ट 535 के लेवल टेस्ट करने के लिए नियर टर्म में। करंट लेवल पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो, कोई आपको डिप मिलती है तो भी यूटिलाइज करें उसे बाय करने के लिए। टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है और जो उसका मोमेंटम इंडिकेटर RSI है वो भी 60 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो क्लियर कट स्ट्रेंथ है, यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव टाटा मोटर्स में नियर टर्म में आपको दिख सकता है। सेकेंड आइडिया है वो है मेरा सेल साइड पे। सेल साइड पे जहाँ पे मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है वो है डिफेंस स्पेस में। डिफेंस में आप देखोगे तो BEL का काउंटर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पे आज एक ब्रेकडाउन दिखा हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पे, वहां पे आप एक सेल ट्रेड ले सकते हो। 107 के आसपास चल रहा है, 111 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड पे मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है फर्स्ट 103 का और सेकंड टारगेट 101 का। 101-103 के टारगेट BEL यहाँ पर है, शॉर्ट पोजिशन बनानी 111 रुपए का। BEL है, BEL ये स्टॉक है 111 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर रखना फोकस। और साथ में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स के लेवल एक बार फिर से बताने होंगे, टाटा मोटर्स में टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है? सी टाटा मोटर्स में लोअर एंड पे स्टॉप लॉस है 505 का, अपसाइड पर मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है फर्स्ट है 535 और सेकंड टारगेट है 540 का। 535-540 के टारगेट्स हैं आपके टाटा मोटर्स पर और BEL यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लानी है। तो यहाँ पर आप देखिए मिक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पर एक खरीदारी का है और एक स्टॉक है बिकवाली का, यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे और छोटी